गाड़ी में चाबी लगी हुई है। अच्छा मैं देखता हूँ यार। ठीक है। इस तरह की वीडियो एडिटिंग के लिए आपने एस्पेक्ट रेशो 16 रख के अपना काइनमास्टर ओपन कर लेना। यहाँ पे मैं 16 रख के इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे वो वाली फाइल जो मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये जो फाइल है इसको यहाँ पे मैं काइनमास्टर में ऐड करता हूँ। किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली आपने मीडिया पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने लास्ट में इसको रखना है और उसके बाद इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। जहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लूँगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेट कर लेना है। जिस तरीके से आपने यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसका जो कैप्चर कर रहे हैं स्क्रीनशॉट, ये लेके ना आपने कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है जो कि बैकग्राउंड रिमूवर हो। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड रिमूवर का इस्तेमाल करूँगा। सो फ्रेंड्स, मैं पिक्सआर्ट का इस्तेमाल करूँगा और उसके बाद यहाँ पे उस बैकग्राउंड को आपने रिमूव कर लेना है जो कि आपका वेस्ट है। बाकी आपने उस सिलेक्शन को कर लेना है जो कि जिस एंगल में आपकी तस्वीर खींची गई है। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से करना है। मैं जल्दी से कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस एंगल को अगर मैं दिखाता चलूँ तो 2 मिनट में ये वीडियो आपका 2 मिनट ले लेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से अपने मोबाइल में कर लेना है और उसको आपने सेव कर लेना है अपने मोबाइल में। जिस तरीके से ये मैंने बना लिया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने मोबाइल में। सो फ्रेंड्स, जो बैकग्राउंड रिमूवर वाली हमारी पिक्चर पड़ी है वो हमने इसको ऐड कर लेना है और यहाँ पे उसका सेटिंग कर लेनी है। बराबर आपने रखना है। आप जितने अच्छे तरीके से इसको बराबर में रखेंगे तो आपका जो वीडियो एडिटिंग का सिस्टम है वो अच्छे तरीके से सेट भी होगा और मैच भी होगा। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है जो भी आप पे डिपेंड करता है, आप जिस बैकग्राउंड को अच्छा समझते हैं। मैं ये क्लाउडी जो बैकग्राउंड है इसको सेट कर लेता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको सेट करना है। सो फ्रेंड्स, इसको सेट करने के बाद आपने की मदद से इसकी जो डायरेक्शन है आपने देती जानी है। आपने इसको छोटा करके की मदद से जहाँ तक आपको अच्छा लगे प्लस करते जाना है और यहाँ से जहाँ पे आपको बुरा लगे तो माइनस करते जाना है और इसको डायरेक्शन दे देनी है कि कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्शन देंगे, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना। सो हमारा ये वीडियो है तो इस तरीके से आपको नज़र आएगी। आपने इसको अगर अपने चलाना चाह रहे हैं तो आप इसको चला भी सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये हमारी जो वीडियो है वो नज़र आएगी। बाकी आपने इसकी सेटिंग अच्छे तरीके से कर लेना ताकि आपको मसला ना पड़े। आपने दोबारा से इसको देख लेना ताकि जहाँ जहाँ पे आपको कमी लग रही है आपने उसको सेट कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको चलाता हूँ, देखता हूँ कि किस तरीके से मेरी ये वीडियो है वो बनी है। देखते हैं किस तरीके से हम ये देख सकते हैं आप एक अच्छे अंदाज से अच्छे तरीके से ये चल रही है। इसमें आप बैकग्राउंड साउंड भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो है ना ऐसे कोई गाड़ी की आवाज़ जैसे मेरी वीडियो में आपको नज़र आ रही थी, आपने ऑडियो पे क्लिक करके आप अपनी ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑडियो ऐड करेंगी। सो फ्रेंड्स, तो हमने ऑडियो कहाँ पे किस तरीके से सेट की थी, यहाँ पे आपको ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है। आपको काइनमास्टर अगर प्रो वर्जन है तो आपको यहाँ पे इजीली तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे हमें जिस टाइप की ऑडियो चाहिए, आप डोर की ऑडियो चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं डोर क्लोज ओपन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैंने फुट स्टेप पे भी एक मतलब जब मैं पैदल जा रहा था तो मैंने एक ऑडियो ऐड की थी। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की ऑडियो थी, ये वाली ऑडियो। दोस्तों, आपने इस तरीके से करना है और उसके बाद हमने गाड़ी जब स्टार्ट की थी तो ये वाली जो ऐड की थी उसमें, ताकि गाड़ी ऐसे लगे कि हम गाड़ी खुद से मतलब ड्राइविंग कर रहे हैं या चला रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऑडियो सुना देता हूँ, बाकी भी आपको मिल जाती हैं वैसे।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको हर तरह की ऑडियो मिल जाती है, आप डोर क्लोज कर रहे हो, बंद कर रहे हैं या ओपन कर रहे हो उसको, या कार की जो हॉर्न दे रहे हो या उसकी जो अलार्म है अलार्म बजा रहे हो, तो आपको ऑडियो मिल जाती है। और आपने इसको किस तरीके से सेट करना है, सिंपली आपने प्लस पे जो भी ऑडियो आपको पसंद है यहाँ पे प्लस पे आपने ऐड करना है, और यहाँ पे इसकी आगे पीछे करके सेटिंग कर लेनी है कि कहाँ पे हमने किस ऑडियो को सेट करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसमें ऑडियो ऐड कर सकते हैं, बाकी जितना भी आप सेट करना चाहें आप और बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है, आप वो जितने बैकग्राउंड ऐड करते जाएं, यहाँ पे जंगल का बैकग्राउंड अगर आप लगाना चाह रहे हैं आपकी मर्जी है, जो भी मतलब आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी वीडियो चाहिए, 2 मिनट की चाहिए, 4 मिनट की चाहिए या आपको 8-10 मिनट की, जितना भी आपको अच्छा लगे। इस तरीके से आप एक अच्छे अंदाज से अपना जो बैकग्राउंड या वीडियो एडिटिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी, अगर ये वीडियो पसंद आती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरी इस वीडियो को लाइक का टारगेट 1000 लिखा है वो इंशाल्लाह पूरा कर देंगे। इसके अलावा मेरी वीडियो कॉलेज से मेरे किसी वीडियो कॉलेज से कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।